कर्नाटक के बीजापुर में बिगेस्ट कुकिंग वर्कशॉप एंड कुकिंग कंपटीशन एसएम रुनवाल, मिथिला रुनवाल और आर्यम रुनवाल की तरफ से रखा गया, जिसमें स्टार प्लस के मशहूर मास्टर शेफ के विजेता रिपु दमन ने अपने ही अंदाज में नए नए पकवानों के तरीके बताए। आजकल सीजन किस किस का है? मैंगो का, मैंगो यूज कर सकते हैं। मैक्रोनी बालूटे शेल पास्ता वैसे ही बनेगा, लेकिन हम बनाएंगे ऐसे रेवियोली। रेवियोली किसने घर पर बना के कभी ट्राई किए? स्टफ पास्ता होता है, इसके अंदर स्टफिंग मैं कर रहा हूँ स्पिनच और फेटा चीज की, लिखा हुआ इसमें, हम पनीर यूज कर रहे हैं। इसके अलावा आप क्या क्या स्टफिंग कर सकते हैं मुझे बताओ। अच्छा, किसी ने मीठा पास्ता खाया? देखो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स नहीं चाहिए इसके अंदर, और साथ में थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। नहीं, ऑफ कोर्स पहली बार यहाँ पे इस एरिया में आया हूँ और मुझे मौका दिया केक क्राफ्ट कॉर्नर में कि यहाँ पे आके कुकिंग डेमोंस्ट्रेशन करें, और यहाँ पे इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, बिकॉज मुझे लगता है कि स्मॉल टाउन के अंदर जितना सारा टैलेंट छुपा होता है, स्पेशली उन लेडीज़ के अंदर जो होम कुक्स होते हैं, और उनकी वजह से ये सारे कुकिंग शोज़ होते हैं ऑफकोर्स। और ये दोनों भी बहनें हैं जो यहाँ पे कुकिंग क्लासेस कर रहे हैं, सो हमें बहुत अच्छा मौका मिला यहाँ पे आने का और यहाँ पे इस तरह का एक कुकिंग शो ऑर्गेनाइज़ करने का। और ऑफकोर्स यहाँ पे लोग जो है वो काफ़ी एक्साइटेड है इस कुकिंग शो को लेकर, और जो रेसिपीज हमने यहाँ पे शेयर की है आई होप लोगों को पसंद आई होगी। यहाँ पे आप लोगों को पसंद आई? बहुत पसंद आई लोगों को, एंड आई विश कि मैं यहाँ पे और सारी चीज़ें देखने को मिले मुझे। अभी तक तो थोड़ा बहुत घूमा हूँ यहाँ पे मैं, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे, काफ़ी अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं, और स्पेशली यहाँ के जो खाना है, जो मैंने बाजरे की कड़क रोटी और साथ में दही और चटनी खाई है, डेट वॉज रियली अमेजिंग, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आगे। मेरे को आज दूसरा दिन है यहाँ पे, मैं कल यहाँ शाम को यहाँ पे आया था और आज मैं पूरे दिन यहीं पर हूँ, तो अगर टाइम मिला तो बाहर जाएंगे, कुछ ना कुछ खाने का मौका मिला तो ऑफकोर्स मैं कहीं भी जाता हूँ तो खाना एक्सप्लोर बहुत करता हूँ, एंड डेफिनेटली इफ़ आई गेट द चांस मैं बाहर जाके और खाना खाऊंगा। लोगों के खाने में एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, बहुत सिंपलिसिटी है यहाँ पे, बहुत कैसे बताऊँ मैं, क्योंकि मैं जिस सिटी से आया हूँ, मैं बॉम्बे, मैं मेरी पैदाइश दिल्ली की है लेकिन मैं बॉम्बे में रहता हूँ, और वहाँ पर लोग बहुत भागते हैं, बहुत दौड़ते हैं, यहाँ पे बहुत रिलैक्स है, बहुत कूल एंड काम तरह के लोग हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल लोग हैं। आई थिंक वो बिलीव करते हैं हार्ड वर्क में, और साथ साथ में जो वो काम कर रहे हैं उसमें फोकस रहता है, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।